बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी विक्रम बेदा रिलीज हो चुकी है, जिसमें ऋतिक रोशन एज ए वेदा और सैफ अली खान विक्रम का रोल प्ले करते नजर आए हैं। बॉलीवुड की यह मूवी 2017 में आई सेम इसी नाम की तमिल मूवी विक्रम वेदा की रीमेक है। इसमें विक्रम का किरदार आर माधवन ने किया था, जबकि वेदा के रोल में विजय सेतुपति नजर आए थे। 2017 में आए विक्रम वेदा की बजट 11 करोड़ था, जबकि उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 60 करोड़ था, यानी कि यह एक ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी फिल्म को 11 करोड़ के बजट में कैसे बना लिया गया था। ओरिजिनल वाले विक्रम वेदा फिल्म की शूटिंग चेन्नई में हुई थी, वहाँ उस फिल्म के क्लाइमेक्स वाले सीन को बिनी मिल में शूट कर लिया गया था, जिसमें की कई सारे फिल्मों को अब तक शूट किया जा चुका है, जैसे कि आई फिल्म का भी कुछ सीन यहाँ आपको देखने को मिला होगा। तो देखिए 2017 वाले विक्रम वेदा को पूरा रॉ रखा गया था, यहाँ तक कि मूवी में यूज किए गए पिस्टल और गन भी रियल थे। सेफ्टी मेजर्स का ध्यान में रखकर इस मूवी में 3000 से ज्यादा बुलेट फायर किए गए थे, जिससे कि फिल्म को रियलिस्टिक टच मिले। ऋतिक रोशन की नई विक्रम वेदा की बजट 175 करोड़ रुपए थी, जो कि पहले वाले विक्रम वेदा की 3 गुनी है। अब जाहिर सी बात है कि जब ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार किसी फिल्म में होंगे तो उसका बजट तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि जितनी पहली वाली मूवी की कमाई थी उससे ज्यादा तो ऋतिक रोशन की फीस ही है। यह फिल्म 10 अक्टूबर 2021 को प्रोडक्शन के लिए रेडी हुई थी। 2021 में फरवरी से जून तक फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी हुई, जिससे कि सोशल मीडिया में इस फिल्म के लिए हाइप बनाया जाए। वहीं इस फिल्म का बजट बढ़ने का दूसरा कारण है शूटिंग लोकेशन। मूवी का मैक्सिमम पार्ट लखनऊ और कानपुर का है, जो कि हमें मूवी में दिखाया गया है। लेकिन जब इतने बड़े सुपरस्टार को मूवी में कास्ट कर रहे हो तो मेकर्स को उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके लिए फिल्म मेकर ने इसकी शूटिंग के लिए अलग से एक सेट बना डाला था। यानी कि आप जो यहाँ इस लोकेशन को देख रहे हो, यह केवल इस मूवी के लिए तैयार किया गया हुआ सेट है। इसे अबू धाबी में बनाया गया था। कानपुर और लखनऊ के गलियों को दिखाने के लिए छोटे छोटे घर, मकान और फाइटिंग सीक्वेंस के लिए एक वेयर हाउस भी इसी वाले सेट पर तैयार किया गया। 15 अक्टूबर 2021 से इस जगह पर फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। इस बड़े से सेट पर 55 डेज तक फिल्म मेकिंग चली। अब यहाँ जब आप इस सेट को देख रहे हो तो आपको यह मामूली सा लग रहा होगा, छोटे से एरिया में कुछ घरें दिख रही है, बट जब आपने मूवी में देखा तो आपको काफी रियलिस्टिक लगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस तरह का सेट तैयार किया जाता है तो बेसिकली उस लोकेशन को ही फोकस किया जाता है जहां पर वो फिल्म की शूटिंग होने वाली होती है, यानी कि वह सीक्वेंस शूट होना होता है उस एरिया में जहां पर स्टार कास्ट खड़े हैं, ताकि बैकग्राउंड और दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए VFX यूज करे जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बैकग्राउंड में चल रही चीज़ें बिल्कुल सजीव नज़र आने लगती है। मूवी देखते समय हमें लगता है कि एक्शन सीन शूट जब हो रही होती है तो लोग कोई रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो लोग होते हैं वो सारे के सारे कलाकार ही होते हैं। अब इस अबू धाबी वाले सेट को देख लीजिए, यहाँ लगभग 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी पड़ी थी। कई सारे शॉर्ट्स में आपने लोगों की भीड़ तो देखा ही होगा, इसी मार्केट वाले फाइटिंग सिक्वेंस को ही देख लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी फिल्म की शूटिंग यहीं केवल एक सेट में हो गई। देखिए इसकी 90% शूटिंग अबू धाबी के फिल्म सिटी में हुई थी, जहां पर कि यह वाला सेट आप देख रहे हो, बट 10% सीन आउटडोर लोकेशन के भी हैं। जैसे कि यह वाला सीन जब यहां पुलिस वाले ऋतिक को ढूंढते हैं, तो यहां उनके चेजिंग वाले सीन को कानपुर के रियल गलियों में शूट किया गया, जबकि ऋतिक रोशन वाले पार्ट की शूटिंग अबू धाबी में हुई थी, जिसे मर्ज करके हमें मूवी में एक साथ दिखाया गया था। सैफ अली खान के सेकेंड शेड्यूल को लखनऊ में ही शूट करा गया था, यहाँ की शूटिंग अक्टूबर 2021 के पहले वीक में शुरू हो गया था। राधिका आप्टे की शेड्यूल भी पूरे 10 दिनों की थी, जिसकी पूरी शूटिंग यहीं इंडिया में हुई, और फाइनली यह मूवी जून 2022 के आखिरी में बनकर कंप्लीट हो गई थी।
तो यह जो मूवी है इसके डायरेक्टर पुष्कर और गायत्री हैं जो कि मैरिड कपल है। उन्होंने ही 2017 में आई ओरिजिनल वाली विक्रम वेदा को भी तैयार किया था। उन्हें इस फिल्म का आइडिया विक्रम बेताल के कहानियों से मिला। उन्हें बचपन से ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगती थी। इस कहानी में राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने जाता है, लेकिन बेताल हर बार उन्हें कहानी सुनाता है और उसे उलझाकर वहां से गायब हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट में मूवी को दिखाया जाता है। पहले तो विक्रम वेदा जो कि एक तमिल फिल्म है उसके लिए उन्होंने पॉलिटिशियन और आम आदमी के कैरेक्टर को चूज किया था, लेकिन बाद में उन्होंने विजय सेतुपति को साइन करने के बाद उसके लुक के हिसाब से इस फिल्म को गैंगस्टर और पुलिस ऑफिसर के तौर पर रेडी किया। एंड वह कहानी काफ़ी पसंद आई लोगों को, जिसकी वजह से आज हमें ऋतिक रोशन की यह विक्रम वेदा देखने को मिल रही है। मूवी के राइट्स बिकने के बाद यह फिल्म विवादों में आती रही। पहले विक्रम वेदा के किरदार के लिए शाहरुख खान को चुना गया था। उनके रिजेक्शन के बाद यह फिल्म आमिर के पास आई। उसके लिए आमिर खान को साइन भी कर लिया गया था, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर और उनके विचार मिल नहीं रहे थे। वह स्क्रिप्ट में बदलाव करना चाहते थे और सेम टाइम में वो लाल सिंह चड्ढा मूवी को बनाने में भी बिजी थे। फाइनली उन्हें हटाकर ऋतिक रोशन को लॉक करना पड़ा। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर के पहले चॉइस ऋतिक रोशन ही थे, लेकिन प्रोड्यूसर इसे बड़े बजट में लेकर जाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए पहले तीनों खान को अप्रोच करना शुरू कर दिया था। फाइनली ऋतिक रोशन और सैफ अली खान इस फिल्म के लिए लॉक कर लिए गए और उसके बाद मेकर्स की टीम द्वारा इसकी कन्फर्मेशन मीडिया में दे दी गई थी। सैफ अली खान और ऋतिक रोशन इससे पहले साल 2002 में एक साथ मूवी में काम कर चुके हैं। एक तरफ ब्रह्मास्त्र, शमशेरा और लाल सिंह चड्ढा जैसी बड़ी फिल्में लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं और लोग उसको बायकॉट कर रहे हैं, तो वहीं विक्रम वेदा को हद से ज़्यादा प्यार मिल रहा है। एक रीमेक फिल्म को इससे पहले इतना ज़्यादा प्यार कभी नहीं मिला। वहीं ऋतिक रोशन का बिहारी टोन फैंस को एक एनर्जी फील करवाता है। इससे पहले भी उन्होंने सुपर 30 में इस तरह का टोन इस्तेमाल किया था। वैसे आपने ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा तो देखा ही होगा। अगर आपने 2017 में आई विक्रम वेदा नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो। तो आपको YouTube पर गोल्ड माइंड चैनल पर हिंदी में देखने को मिल जाएगा। गोल्ड माइंड कंपनी द्वारा ओरिजिनल विक्रम वेदा मूवी के ऑफिशियली हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पर रिलीज करी गई है। अगर आपने पहले से ही देख लिया है तो वो आप हमें बताइए कि आपको कौन सी बेटर लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।